हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार चंद्र, आपके अपने चैनल पे लिंक के सिक्के पे में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आपके सामने लेफ्ट आर्म बॉलिंग लेके आऊँ कि लेफ्ट आर्म बॉल का ग्रिप क्या होना चाहिए, उसका लाइन सही कैसे करे, कैसे क्या करना है, उसको पूरा डेवलपमेंट लेकर पूरा इस वीडियो में लेफ्ट आर्म बॉलिंग के ऊपर पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लेफ्ट आर्म बॉलर हो तो इस वीडियो को पूरा देखे, बिना स्किप के पूरा देखे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होगा, जो भी मेरा नया अपडेट आएगा, नया टॉपिक आएगा, जो भी मैं क्रिकेट के ऊपर कुछ भी अपडेट लूंगा, उसको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले होगा। तो ठीक है दोस्त, मैं शुरू करता हूँ। दोस्त, यदि आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो और आपको प्रॉब्लम होती हो ग्रिपिंग करने में, डिलीवरी करने में, बॉडी पोजीशन में, तो आपको मैं बता रहा हूँ क्या कैसे करना है। जैसे कि आप लेफ्ट आर्म बॉलर हो तो आपको सही ग्रिप को आपको ये पकड़ना है, आपका सही ग्रिप लेफ्ट आर्म का ये होना चाहिए। आप ग्रिप को आप पकड़ रहे हो, इस ग्रिप से आप डिलीवर कर रहे हो और तब भी आपका बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेन मुद्दा है कंट्रोल करना। कंट्रोल आप करोगे बॉल को तब आप सही टप्पे पर डाल पाओगे। अगर कंट्रोल नहीं है बॉल पर तो आप क्या होगा, मैच में पीट जाओगे, रन आपके में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि कैप्टन आपको अगला ओवर नहीं देता है। ये होता है मैच में, अगर आप पहला ओवर आपको मिल रहा है, आप पहले ओवर में पीट जाते हो तो अगला ओवर क्या कैप्टन नहीं देगा, किसी और को लगा देगा। उसके मन के ऊपर आप भी कुछ बोल भी नहीं सकते हो कि यार मैं तो पीट गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो इसी को मैं बता रहा हूँ दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखना, ध्यान से देखो। जब भी आप बॉल पकड़ो तो ग्रिपिंग ये होना चाहिए लेफ्ट आर्म को, पूरा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जब भी बॉल डालो तो ये डालो। जब भी अब क्या करो कि हमेशा हाथ में बॉल ले लो, हाथ में बॉल लेते लेते ऐसे घुमाते रहो, हमेशा घुमाते रहो, तो आपको क्या होगा, आदत बने रहेगा, आपका ग्रिपिंग का आदत बने रहेगा, आपको कंफर्टेबल होगा। आप हमेशा ऐसे करते रहो, हमेशा बॉल पास में रखो, आप घुमाते रहो। बॉल घुमाने से क्या होगा कि आपको आदत सी बनी होती है, वो आदत सी बनी होती है तो आपको कंफर्टेबल होगा। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस करते हो तो आपको बॉल को क्या करना है कि ऐसे पकड़ के आपको ये डालना है, पूरा रोटेट करना है बॉल को, रोटेट करना है, पूरा रोटेट करना है। बॉल जितना रोटेट होगा उतना ही हवा में घूमेगा, एयर में घूमेगा, और घूमने के बाद आपको गिरने के बाद बॉल तेजी से निकलेगा और एज लग के स्लिप में कैच या बिहाइंड द बॉल होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, जब भी आप लेफ्ट आर्म डाल रहे हो तो आपको ये होना चाहिए, ग्रिपिंग आपको ये होना चाहिए। और आपको क्या करना है कि आपको कान के पास से बॉल लाना है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के कान के पास से बॉल लाना है। चाइनामैन बॉलर स्पिनर के लिए उसको साइडवे लाना है, लेग स्पिनर के लिए साइडवे लाना है, ऑफ स्पिनर के लिए कान के पास से लाना है। तो मैं बता रहा हूँ, जब भी आप बॉल डाल रहे हो, डिलीवरी जब भी कर रहे हो, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो आपको क्या करना है, बॉल को कान के पास से लाना है। कान के पास से लाने के बाद आपको डिलीवर करना है, पूरा ये साइडवे जाना है। साइडवे जाने के बाद आपको यहाँ से ये करना है, आप ये बॉल डालोगे, बॉल गिरते हुए बाहर निकलेगा। यदि आप बॉल आपका टर्न कम हो रहा है तो बॉल आपका टर्न कम हो रहा है तो उसके मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको ये लग रहा है कि यार मेरा बॉल टर्न हो रहा है, ज़्यादा टर्न लगा तो मुझे अच्छा होगा और बैट्समैन को मैं आउट कर पाऊंगा, तो उसी को बताओ। जब भी आपको बॉल कम टर्न हो रहा है, ज़्यादा बॉल टर्न कराना है, तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल कान के पास से बॉल लाना है। अगर कान के पास से बिल्कुल आपका बॉल आ रहा है तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा एंगल बनेगा। एंगल बनने के बाद आपको क्या होगा कि ये आपका यहाँ से छूटेगा, यहाँ से छूटने के बाद क्या होगा, बॉल गिरने के बाद स्लिप निकलेगा। आपको यदि आप एक स्लिप लेके खेल रहे हो तो आपको वहाँ विकेट मिल सकता है। और आपको दूसरा मैं बता रहा हूँ, इसमें वेरिएशन बता रहा हूँ, लेफ्ट आर्म का वेरिएशन बता रहा हूँ कि अंदर कैसे मारे। जब भी आपको अंदर मारना है तो क्या करना है कि आपको बॉल को ऐसे पकड़ने के बाद आपको साइडवे लाना है। आप साइडवे लाओगे, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप मारोगे तो गिरने के बाद बाहर जाएगा, और साइडवे लाना है तो आपको यहाँ से ये मारना है, ये मारोगे तो गिरने के बाद क्या होगा, बॉल तेजी से अंदर जाएगा और वहां से आपको एलबी के भी चांस है और बोल्ट के भी चांस होंगे। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्त, जय।